हेलो एवरीवन, देखिए अब आज हम करेंगे डिटेन। डिटेन किस तरह से करेंगे, ये हमारी ब्राइडल है और इसकी बहुत ही ज़्यादा डल स्किन है, तो हम सबसे पहले इसका क्लीजिंग करेंगे फेस का। तो जो इनका फेशियल हो रहा है, हम उसी फेशियल से इनकी अच्छे से क्लीजिंग करेंगे। तो देखिए आप देखते जाइए कैसे हमको क्लीजिंग करना है, बहुत ही अच्छे से क्लीजिंग करेंगे जिससे जो भी इनकी स्किन पर डेड स्किन और डस्ट हो वो अच्छे से निकल जाए। तो आप देखते जाइए क्लीजिंग के स्टेप कैसे करते हैं हम क्लीजिंग। क्लीजिंग हमें बहुत ही अच्छी तरह से करना है, इसलिए मैंने वीडियो को कट नहीं किया है, क्योंकि आप सारे स्टेप देख सकते हैं। अब हम इस क्लीजिंग को अच्छे से क्लीन कर देंगे। अब हम करेंगे स्क्रब। हमें क्लीजिंग के बाद स्क्रब करना है, क्योंकि इनका फेशियल हो रहा है और हम स्क्रब जब फेस पर करेंगे तो डिटेन का जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए हमने क्लीजिंग करने के बाद स्क्रब लिया है, और अब जैसे हमने क्लीजिंग की थी उसी स्टेप में हम स्क्रब करेंगे फेस पर। इनका माउथ एरिया बहुत ही ज़्यादा डार्क था, देखिए अपर लिप्स के पास और चिन और अंडर आई। फ्रेंड्स, आपको अगर डिटेन करना है अपने फेस पर तो इसी मेथड से करेंगे आप, तो ज़्यादा बेनिफिट देगा और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको पूरे प्रोसीजर के साथ बता रही हूँ कि आपको किस तरह से डिटेन करना है। मैंने इनके फेस पर कोई ब्लीच नहीं की थी, क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, इन्हें ब्लीच नहीं करवानी थी। अब हम स्टीम देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए फेस पर स्टीम देने से पोर्स की जो भी गंदगी है वो बाहर निकल आती है, और हमारे नोज पर जो भी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं जब हम कॉमेडॉन की मदद से उन्हें निकालते हैं। इसमें बहुत हेल्प मिलती है और स्टीम के साथ फेशियल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखिए उनके फेस पर स्टीम हल्की हल्की लगती जा रही है, और हमारे वो स्क्रब में जो हाथ चल रहे हैं वो चलते जा रहे हैं, जिससे उनके फेस पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है स्टीम से। और मैं यहाँ पर हॉट स्टीम यूज कर रही हूँ। अब हम स्क्रब को अच्छे से रिमूव कर देंगे। ये देखिए मैंने कॉमेडॉन की मदद से इनका ब्लैक हेड्स निकाला है जो बहुत था इनकी नोज पर, इन्हें पिगमेंटेशन भी हो रही थी। दोनों तरफ नोज के दोनों एरिया की तरफ हम अच्छे से ब्लैक हेड्स निकालेंगे, चिन पर भी ब्लैक हेड्स निकालेंगे। अब हमें टैन अप्लाई करेंगे अच्छे से ब्रश की हेल्प से। जब हम क्लीजिंग और स्क्रब पहले कर लेते हैं उसके बाद डिटेन लगाते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप भी फ्रेंड्स कर सकते हैं, अपने सैलून डाला है या फिर आपका
आप घर पर भी इसको यूज कर सकते हैं इसी मेथड से, इसी प्रोसीजर से। इनको डिटेन बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है, थोड़ा मोटा मोटा भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके नेक को भी कवर करेंगे अच्छे से। मैंने इनके कान पे भी, ईयर पे भी लगाया है अच्छे से, क्योंकि हमारी स्किन पूरी इवन दिखनी चाहिए। देखो मैंने नेक को कितने अच्छे से कवर किया है। अब हम वेट करेंगे 10 से 15 मिनट, उसके बाद हम, मैंने आपको ये नहीं दिखाया, डायरेक्ट इसको निकाला है, मैंने वेट किया था 15 मिनट। आप 20 मिनट भी रख सकते हैं, सेंसिटिव स्किन है तो 10 मिनट रख सकते हैं। और इसको अच्छे से मसाज करके निकालना है, इसको ऐसे ही नहीं पोंछना है। आप इनका आफ्टर रिजल्ट देख सकते हो कितना अच्छा आया है। आप इसी मेथड से करेंगे डिटेन तो आपको डिटेन के बहुत सारे फायदे मिलेंगे। देखिए इन कितना अच्छा रिजल्ट आया है, अभी तो इनका फेशियल होना बाकी है। थैंक यू फ्रेंड्स।